गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि न्यूटन ग्रेगोरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पर आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर वन क्या है, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए पिछले 5 वर्षों की बिक्री निम्न मान द्वारा दी गई है। अब हमें ये 5 वर्षों की बिक्री 76 की 78 की ये सब हमको दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, वर्ष 1981 की बिक्री को हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम न्यूटन ग्रेगोरी का फॉर्मूले को यूज़ करते हुए उसको हम निकालेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि पहले हम टेबल बनाएंगे। तो ये हम टेबल बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, एक्स की वैल्यू रख दीजिए 1976, 1978, 1980, 1982, 1984। ये हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख देनी है पहले जो दी हुई है। अब ये एफ एक्स की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू हमको दी हुई है 40, 43, 48, 52 and 57। अब हम डेल्टा एफ एक्स निकालेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो ये इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 3, 48 में से 43 माइनस करेंगे तो 5, 52 में से 48 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 एंड 57 में से 52 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। इसी तरह से जब तक हमारा डिफरेंस निकलता चला जाएगा तब तक हम निकालते जाएंगे। तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे अब हम, तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, तो यहाँ से ये माइनस किया तो 2, यहाँ से ये माइनस किया तो -1 और ये माइनस किया तो 1। अब हम निकालेंगे डेल्टा क्यूब एफ एक्स, तो -1 -2 कितना हुआ -3, ऐसे ही 1 -2, 1 कितना हुआ +2। अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -3, तो ये डेल्टा 4 एफ एक्स हमारे पास आएगा 5। इस तरह से हम एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 1981 ऑफ फंक्शन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1976 एंड एच इक्वल टू 2 एंड एक्स ए प्लस एच यू इज इक्वल टू 1981, मीन्स एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1981, जो कि होता है हमारे पास एक्स इक्वल टू क्या था, ए प्लस एच यू। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1981 इक्वल टू 1976 प्लस ट्वाइस इंटू एच। दैट इम्प्लाइज जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1981 माइनस 1976 इज इक्वल टू ट्वाइस एच और एच इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5/2। अब ये हमारे पास एच निकले, सॉरी ये हमारे पास एच नहीं निकलेगा, यू निकलेगा, ये हमारे पास एच की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ट्वाइस ऑफ यू, तो विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस यू एंड यहाँ पर भी यू, तो यू इज इक्वल टू हमारे पास आया 5/2। अब हम न्यूटन ग्रेगोरी अंतर्वेशन सूत्र लिखेंगे। सूत्र में रखेंगे तो न्यूटन ग्रेगोरी अंतर्वेशन सूत्र के द्वारा क्या हम लिखेंगे, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू वन फैक्टोरियल डेल्टा एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस यू टू फैक्टोरियल
डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस यू थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस, क्योंकि हमारे पास डेल्टा फोर तक वैल्यू है तो हम यू फोर फैक्टोरियल डेल्टा फोर एफ ऑफ ए अपॉन फोर ये लिखेंगे फैक्टोरियल फोर। तो इसके लिए अब हम इसमें वैल्यूज़ रखते हैं, तो आप टेबल में देखेंगे कि वैल्यूज़ में हमारे पास एफ ऑफ ए कितना है। मैं वापस पीछे जाऊं और आपको दिखाऊं, तो ये हमारे पास एफ ऑफ ए है, ये डेल्टा एफ ए है, ये डेल्टा स्क्वायर एफ ए है, ये डेल्टा क्यूब एफ ए है और ये डेल्टा फोर एफ ए है। तो हम इनकी वैल्यूज़ हम इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगी 40 प्लस यू वन का मतलब यू हुआ जो हमारे पास है 5/2 इंटू 3 प्लस यू की पावर फैक्टोरियल टू का मतलब होता है यू इंटू यू माइनस वन, तो ये हुआ 5/2 इंटू 5/2 माइनस वन इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ ए टू था अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस 5/2 इंटू 5/2 माइनस वन इंटू 5/2 माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री माइनस ऑफ थ्री। फैक्टोरियल किसी भी तरह से लिख सकते हैं हम, मैंने दो तरह से लिख दिया यहाँ पर, इसको सेम कर लीजिए। फैक्टोरियल थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस 5/2 इंटू 5/2 माइनस वन इंटू 5/2 माइनस टू इंटू 5/2 माइनस थ्री इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब हम इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 40 प्लस 7.5 प्लस 3.75 माइनस 0.9375 माइनस 0.1953125। ये सारी कैलकुलेशन हमें कैलकुलेटर से करनी है जो कि हमको एग्ज़ाम में भी मान्य होगा। विच इज़ इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास 51.25 माइनस 1.1328 लगभग हो गया करीब, विच इज इक्वल टू 50.1172 अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि हम कैलकुलेटर से निकालते हैं तो पूरी सारी टर्म्स तो लेते नहीं हैं, तो इसलिए ये हमारे पास आंसर आया कि 1981 में कितनी बिक्री होगी, 50,000 के लगभग। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल कराऊंगी। नेक्स्ट सवाल में नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है जो कि है 4 क्रमांकित 10 वर्ष आयु समूह में मृतकों की संख्या निम्नलिखित है। ये मृतकों की संख्या दी हुई है और ये उनके आयु समूह दिए हुए हैं। अब हमको 40 से 50 और 50 से 55 के मध्य मृतकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या हम क्या करेंगे, पहले तो न्यूटन की वो जो टेबल बनाते हैं उसके लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। सबसे पहले उसमें हम सबसे पहले यहाँ पर इंटरवल्स लिखेंगे, अब ये इंटरवल हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटरवल है हमारे पास 25 से 30, 30 से सॉरी फिर मैंने गलत लिखा 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 एंड 55 से 65। ये हमारे पास चार ग्रुप दिए हुए हैं, तो इन चारों ग्रुप में हमको टेबल बना करके और चीज़ निकालनी है। तो यहाँ पर एक्स में अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको 40 से 50 और 50 से 55 पूछी है, तो हम से कम करके लिख लेंगे सारा यहाँ पर। जैसे कि हमने जो एक्स हमारे पास जो आयु है वो हम क्या करेंगे,
35 से कम, 35 से कम कितने जने हैं वो हम लिख लेंगे। फिर हम 45 से कम वो है वो लिख लेंगे। फिर 55 से कम एंड देन 65 से कम। अब यहाँ पर जो हमारे पास एफ एक्स है वो ये नहीं है, क्योंकि हमें 35 से कम चाहिए। तो 35 से कम हमारे पास कितना है यहाँ पर, 13229, ठीक है। अब इसके बाद 45 से कम हमको जब चाहिए, तो 45 से कम में इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमारा आंसर है 31368। आप कैलकुलेटर से जोड़ लीजिए। इसके बाद में 55 से कम में हम इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा हमें, तो ये हमारे पास आएगा 55593। फिर 65 से कम में हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे, तो इसके लिए आएगा 87089। अब इसके बाद हम डेल्टा निकालेंगे, तो ये हमारे पास आया डेल्टा एफ एक्स, फिर डेल्टा एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स, फिर डेल्टा क्यूब एफ एक्स। तो यहाँ पर डेल्टा एफ एक्स क्या है, इसमें से हमने इसको माइनस किया, तो क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ा था, इसमें से इसको माइनस किया, तो ये वाला टर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास आई 18139। इसी तरह से इसमें से हमने इसको माइनस किया, तो हमारे पास आएगा 24225। फिर इसमें से इसको माइनस किया हमने, तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, 31496 यहाँ से ये। अब फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 6086। ये सब आपको कैलकुलेटर से करनी है। ये आएगा यहाँ पर 7271। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे जब, तो ये हमारे पास आएगा 1185। अब ये हमको टेबल बनाई हमने, इस टेबल में इसको मैं दोबारा से कर रही हूँ, नीचे तक चला गया था। तो इसके बाद ये जब हमने निकाल लिया, तो हम सबसे पहले क्या है, 50 से कम की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे हम, एफ 50, 50 से कम की, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 35। एच इक्वल टू हमको दिया हुआ है 10। एंड एक्स इक्वल टू कितना निकालना है, 50। मीन्स ए प्लस एच यू इक्वल टू कितना है, 50। एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एच यू। तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू रखी, 35 प्लस 10 यू इक्वल टू 50, और 10u इक्वल टू 50 माइनस 35, और u इक्वल टू कितना हुआ हमारा, 1.5। तो ये हमारे पास u की वैल्यू निकली। अब इस u की वैल्यू को निकालने के बाद हम इसको न्यूटन के फॉर्मूले में रख देंगे। तो न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला, अब वो क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू वन फैक्टोरियल डेल्टा एफ ए प्लस यू टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस यू थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल थ्री, यहाँ पर फैक्टोरियल वन। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रख देंगे, जैसे मैंने आपको पिछले टर्म में बताई थी। तो एफ ऑफ 50 हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ ए हमारे पास, आप टेबल पे जाके देखिए दोबारा से, तो ये आएगा 13229 प्लस यू कितना था, 1.5 इंटू डेल्टा एफ ए कितना था, मैं पुराना आपको दिखा देती हूँ पहले जा करके। तो यहाँ पर देखिए
ये हमारे पास है एफ ए, ये डेल्टा एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए एंड डेल्टा क्यूब एफ ए, तो ये हमें सब, और यू यहाँ से 1.5, तो ये सब हमें वहाँ पर रखनी है। तो ये एफ ए प्लस 1.5 इंटू डेल्टा एफ ए है 18139 प्लस 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू कितना है हमारे पास 6086 प्लस 1.5 माइनस 1 एंड 1.5 माइनस 2 अपॉन क्या आएगा फैक्टोरियल 3 विच इज़ इक्वल टू दिस इज यहाँ पर आएगा इंटू 1185। ये हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जब हम इनको कैलकुलेटर के द्वारा हल करेंगे तो ये आएगा 13229 प्लस 27208.5 प्लस 2282.25 माइनस 74.0625 विच इज़ इक्वल टू 42645 माइनस 6875। ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली ले लिया पॉइंट्स वगैरह को हटा करके, जिससे कि हमारे पास वैल्यूज़ निकल आए। तो ये जो वैल्यू है इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकलेगी विच इज़ इक्वल टू 42645.6875। अब हम क्या करेंगे कि जब हमें 50 से 55 की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फॉर 50 to 55, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 55 से कम की वैल्यू दी हुई है उसमें से 50 से कम की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आया 5593 माइनस 42645.6875। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 12947.3125। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको मान लेते हैं 12947, ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह से हमको क्या निकालना है फॉर 45 to 50, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, 50 से कम माइनस 45 से कम। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, 50 से कम कितना निकला अभी अपन ने, 42645.6875 माइनस 31368 विच इज़ इक्वल टू 11277.6875। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास हो गया 11278, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराती हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, न्यूटन अग्र अंतर सूत्र का प्रयोग कर बहुपद एफ एक्स प्राप्त कीजिए जो कि निम्न आंकड़ों को संतुष्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक्स हमको दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। अब हमें ये नहीं निकालना है कि इस एक्स के लिए इस एफ एक्स का क्या मान होगा, हमें उस पॉलिनोमियल को निकालना है। तो हम न्यूटन का फॉर्मूला लिख करके और उसमें वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल निकल आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथ में आगे एक क्वेश्चन और है कि यदि अन्य आंकड़ा x इक्वल टू 5, एफ एक्स इक्वल टू 26
उपरोक्त आंकड़ों में जोड़ा जाए तो क्या बहुपद पूर्व के समान या भिन्न होगा, समझाइए। ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले हम टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले हम। तो हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले, तो टेबल में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स वन टू थ्री एंड फोर। इसके बाद हम लिखेंगे एफ एक्स जो हमको दिया हुआ है 26, 18, 4 एंड 1। फिर हम निकालेंगे डेल्टा एफ एक्स, ये हमारे पास, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आया -8। फिर 4 में से 18 माइनस किया तो कितना आया -14। फिर 1 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आया -3। फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स इसमें से ये इसको माइनस करेंगे अगर हम, तो ये हमारे पास -14 -8 तो ये कितना हो गया -6। फिर -3 -14 कितना हो जाएगा हमारे पास में 11। इसमें से इसको माइनस करेंगे अगर हम तो ये हमारे पास आएगा 11। फिर हम निकालेंगे डेल्टा क्यूब एफ एक्स, तो ये इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 11 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 17। तो ये हमारी टेबल बन गई। अब इस टेबल में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ हमको दिया है गिवन क्या दिया है, ए इक्वल टू 1, एच इक्वल टू 1। तो हम न्यूटन ग्रेगोरी का फॉर्मूला लिखें एक्स की टर्म में, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तो न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र लिखें। तो ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h। ये हमारे पास न्यूटन ग्रेगोरी का फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें, तो वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एफ ए इक्वल टू 26 हो जाएगा, डेल्टा एफ ए 8 हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ ए माइनस 6 और ये डेल्टा क्यूब एफ ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 17। तो इसके लिए हम इसको लिख वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 26 प्लस माइनस ऑफ 8 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 17 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब हम इसको सारे को खोलें तो ये आएगा 26 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। फिर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा 26 माइनस 8x प्लस 8 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इन दोनों को खोला, इसी तरह से इधर इन तीनों को खोलेंगे तो 17/6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 माइनस सॉरी माइनस ऑफ 6। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। इनको हम और सिंप्लीफाई करें, इन सबको खोलें, सबको एक्स क्यूब को एक तरफ रखें, सब खोलें, तो ये हमारे पास आएगा 17/6 एक्स क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 193 अपॉन 6x
प्लस 11, तो ये हमारे पास आंसर आया, ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। अब इस पॉलिनोमियल को अगर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि हम इसमें अगर एक्स इक्वल टू दूसरा आंकड़ा जोड़ें तो फिर हम हमारा क्या पॉलिनोमियल चेंज होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हम ये जो लिखा है एक्स इक्वल टू फाइव, अब देखिए अगर हम मैं यहाँ पर फाइव लिखूँ तो यहाँ पर अगर मैं 26 लिखूँ तो यहाँ पर 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 माइनस दिस 28 आ जाएगा। अब इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो ये 17 आ गया। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है। तो जब मैं डेल्टा 4 एफ एक्स निकालूंगी तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके पॉलिनोमियल में कोई भी आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। तो जो जो पॉलिनोमियल हमारे पास है वो पॉलिनोमियल चाहे हम एक्स में फाइव और जोड़ दें उसके बावजूद भी यही हमारा पॉलिनोमियल आएगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको तीन सवाल करा दिए और तीनों सवाल अलग अलग तरह के हैं जिससे कि आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप किसी भी बुक की कोई भी एक्सरसाइज के सवाल कर लीजिए इस न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से, और फिर जो भी सवाल आपको पूछना है आपको नहीं आए तो मुझे कमेंट पर जाके पूछिए, मैं आपका जवाब दूँगी। थैंक यू।